Hello everyone, welcome in my channel Rkm Educare. आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बेसिक और इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके चार कंपोनेंट्स को जानने होंगे, फोर कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन। फर्स्ट है डिवीजर, जिसे हम जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डिविडेंड कहेंगे। तीसरा कंपोनेंट कोसेंट है, जिसे हम क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथा कंपोनेंट रिमाइंडर है, जिसे हम आर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं डिवीजन में इनकी जगह कहाँ कहाँ पर है। हालांकि आप अपने अर्लियर क्लासेस में इनको जान चुके होंगे, फिर भी एक बार इन्हें देख लेते हैं। पहला है डिवीजर, यानी कि वह क्वांटिटी जिससे हम किसी दूसरी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं उसे हम डिवीजर बोलते हैं, और यहाँ पर हम इसे जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से डिविडेंड, यानी उस क्वांटिटी को जिसे हम डिवाइड करेंगे उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। क्वेश्चन आप जानते होंगे, डिविजन के भागफल को बोलते हैं। रिमाइंडर यानी शेषफल। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है, एज द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविजर इन कॉमन डिविजन। यानी कि अगर आप एक सिंपल सा डिविजन ले, जैसे यहाँ पर लिया गया है 23 को 4 से डिवाइड करने पर कोशेंट मिला है 5 एंड रिमाइंडर मिला है 3। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा कि जो डिविजर है 4 वह हमेशा रिमाइंडर से बड़ा है, यानी कि रिमाइंडर स्मॉलर है डिविजर से। ये हर एक डिवीजन में आप पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो पाएंगे कि इस 3 को अगर बड़ा करके एक ज्यादा करके 4 कर दे, यानी कि डिविजर के इक्वल कर दे, तो यहाँ पे 4 कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे 24 पॉसिबल हो। और यहाँ पे अगर 24 होगा तो 4 6 जा 24, यानी यहाँ पे क्वेश्चन 6 आ जाएगा, रिमाइंडर फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यह डिविजिबल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस केस में भी आप यह पाएंगे कि यह डिविजर से छोटा होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा डिविजर से छोटा ही होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता। और अगर बराबर नहीं हो सकता तो बड़ा होने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे पॉलिनोमियल के डिवीजन में जब बात करेंगे तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर एंड डिग्री ऑफ डिविजर की बात करेंगे। तो वह बात क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिविजर। यानी कि अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल के डिवीजन में बात करेंगे तो रिमाइंडर की डिग्री हम नोट करेंगे कि हमेशा डिविजर की डिग्री से स्मॉलर हो जाएगी। यानी कि हम तब तक डिवीजन को सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इजी स्टेप्स को जान लें। यानी यहाँ पर हम केवल दो स्टेप पढ़ेंगे, यानी पॉलिनोमियल के पूरे प्रोसेस को हम केवल दो स्टेप में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी दो स्टेप हैं। पहला स्टेप आप देखें, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, तो हमें क्या मिलेगा, कोसेंट। यानी कि डिविडेंड एंड डिविजर पॉलिनोमियल में होगा तो उनमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं, तो हमें केवल फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर को, जिससे हमें कोसेंट मिलेगा। स्टेप टू में क्या करना है, उस कोसेंट को मल्टीप्लाई कर देना है होल डिविजर से। यानी कि जो हमें कोसेंट मिला उसको हमें डिविजर के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। फिर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात है, पुट लाइक टर्म ऑफ प्रोडक्ट टुगेदर एंड देन सब्ट्रैक्ट। जैसा कि आप कॉमन डिवीजन में करते हैं वैसे हमें इस प्रोडक्ट को डिविजन के नीचे लिखकर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप कॉमन डिवीजन में करते हैं। ओनली दीज टू स्टेप्स रिपीटेड फ्रिक्वेंटली अंटिल एंड अनलेस द डिग्री ऑफ रिमाइंडर बिकम स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिविजर। यानी कि ये केवल दो ही स्टेप है डिविजन में, इन दो स्टेप्स को हम लोग बार बार करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि
डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिविजर से छोटी न हो जाए, तब तक हमें इसी दो स्टेप को रिपीट करते रहेंगे और फाइनली हम पाएंगे कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो आइए जानते हैं हम एक एग्जांपल के द्वारा। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है दैट इज पी एक्स, वो आपके सामने स्क्रीन पर है और इसे हमें डिवाइड करना है डिविजर जी एक्स से, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो इसे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, हम रफ वर्क के लिए अलग से ब्लॉक बना लेते हैं। रफ वर्क में हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, तो स्टेप को करने से पहले आप एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए, इजी स्टेप फॉर डिवीजन। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, यानी यहां पर डिविडेंड क्या है, ये है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स पावर फोर, एंड इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, डिविजर का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे एक्स पावर फोर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट। हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर एज कोसेंट, कोसेंट ग्रुप में हमें एक्स स्क्वायर मिल गया, तो हम कोसेंट में से लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, कोसेंट को मल्टीप्लाई करना है होल डिविजर, होल डिविजर मतलब यहां पर आप देख सकते हैं डिविजर में दो टर्म है, तो दोनों टर्म में हमें इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में हम एक्स स्क्वायर से इस पूरे डिविजर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स पावर फोर हो जाएगा और माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है, पुट लाइक टर्म ऑफ प्रोडक्ट टूगेदर एंड देन सब्ट्रैक्ट, जो हमें प्रोडक्ट मिला इसके लाइक टर्म को, लाइक टर्म मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे टर्म्स जिसमें की वेरिएबल और उनके पावर सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे x पावर 4 का लाइक टर्म है x पावर 4 और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म है माइनस एट एक्स स्क्वायर, यानी वेरिएबल और उसका पावर दोनों सेम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पुट लाइक टर्म ऑफ प्रोडक्ट टुगेदर एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो हम लाइक टर्म को ठीक उसी के नीचे रखेंगे। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम कॉमन डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्शन में हम पॉलिनोमियल्स के साइन चेंज कर देते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक्स पावर फोर पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे प्लस का, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या पाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि x पावर 4 एंड x पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हो गए हैं। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ये, यहाँ पर देखिएगा माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं एज इट इज उतार देंगे, टू एक्स क्यूब ऐसे ही उतार दिया गया, 12x प्लस 18। अब ये हमारा नया डिविडेंड मिल गया है, जैसा आपने पहले स्टेप में किया था, सॉरी पहला स्टेप मतलब अभी जो फर्स्ट टाइम डिविडेंड के साथ जो किया था वही अब सेकेंड टाइम भी करेंगे, यानी ये हमारा जो नया डिविडेंड है और हमारा डिविजर वही होगा, तो हम इसी दो स्टेप को दोबारा करेंगे। क्यों दोबारा करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे पा रहे हैं कि ये रिमाइंडर है, इसकी डिग्री 3 है और डिविजर की डिग्री 2 है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से ज्यादा है, तो हमें तब तक दोनों स्टेप को बार बार कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी ना आ जाए, यानी कि एक्स पावर 3 के जगह पर एक्स या कोई नंबर ना आ जाए। आइए आगे देखते हैं, तो स्टेप नंबर 1 अगेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज 2x क्यूब एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर इज एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में 2x पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें कोसेंट मिल गया 2x, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप कोसेंट इनटू होल डिविजर, सेकेंड स्टेप कोसेंट इनटू होल डिविजर, कितना आ गया 2x क्यूब माइनस का 10x, इसे हमें कहाँ रखना होगा, पुट लाइक टर्म ऑफ प्रोडक्ट टूगेदर
एंड देन सबट्रैक्ट, यानी यहाँ पर हम डिविडेंड के नीचे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमें साइन चेंज कर लेना होगा, ठीक है। साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस 10x नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो देखिएगा जो लाइक टर्म है उनको हम सबट्रैक्ट करते हैं और जो अनलाइक टर्म है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2x³ एंड 2x³ कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन होने की वजह से, और बाकी नंबर बाकी क्वांटिटीज को हम सबट्रैक्ट करके और एज इट इज लिख देंगे। माइनस 3x² लाइक टर्म नहीं है इसलिए ऐसा ही लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 12x प्लस का 10x प्लस का 22x प्लस 18 उतार दिया। अब फिर से हम यहाँ पर पाएंगे ये हमारा रिमाइंडर जिसकी डिग्री 2 है, अभी डिविजर की डिग्री 2 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी नहीं है। तो एक बार फिर इसी स्टेप को कंप्लीट करेंगे। अब इस स्टेप को करने के लिए क्या फिर से देखिएगा, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। तो फिर से हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड यानी माइनस 3x² इज डिवाइडेड बाई x² हमने मिल गया माइनस थ्री हमने एज ए कोसेंट कोसेंट के जगह पे रख दिया। सेकेंड स्टेप, कोसेंट को डिविजर से मल्टीप्लाई करना, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो माइनस 3 कोसेंट को डिविजर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गया, माइनस 3x² प्लस 15, जो हमें लाइक टर्म को ध्यान में रखते हुए इस डिविडेंड के नीचे रख देना है। तो रख दिया, रखने के बाद हमें इन्हें भी सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 3x² नीचे है, नीचे का केवल टर्म ध्यान देते हैं, माइनस 3x² है तो इसको साइन चेंज करके हम पॉजिटिव कर देंगे, और ये पहले से पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दें तो आप पाएंगे 22x, क्योंकि इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक टर्म नहीं है, तो 22x प्लस 3, 18 माइनस 15 3 हो गया। तो आप अब यहां पे पाएंगे कि 22x प्लस 3 यानी रिमाइंडर का डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटा हो गया। अब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कहा गया है, हियर द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन दैट ऑफ डिविजर सो द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब हमारा डिविजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी है। तो फाइनली हमें मिल गया है रिमाइंडर आर इक्वल टू 22x प्लस 3 एंड कोसेंट क्यू इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। इस तरह से आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स के डिवीजन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आपको डिवीजन्स को समझने में हेल्प मिली हो तो आप इसे बाकी लोगों तक पहुंचाएं कि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।